हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और गाइस, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे टॉप 10 न्यू एंड्रॉयड और आईओएस गेम जो हाल ही में नवंबर के महीने में रिलीज हुए। सो बिना किसी टाइम वेस्ट किए हम लोग वीडियो को चालू करते हैं। लेकिन उससे पहले गाइस, अगर चैनल पे नए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि मैं ऐसे कंटेंट रेगुलरली लाता रहता हूँ। सो बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। तो गाइस, अपने लिस्ट पे जो 10th नंबर पे गेम है वो है MTL रॉग हाइस्ट। ये एक लेटेस्ट बहुत ही एक्साइटिंग फ्री टू प्ले शूटर गेम है जिसे एक इंडियन स्टूडियो ने बनाया। रॉग हाइस्ट में आपको दो टीम्स के बीच 5v5 कॉम्बैट्स देखने को मिलते हैं। इसमें हाइस्ट, ब्रॉल और गैंग वॉर जैसे तीन मोड्स हैं। तो गाइस, इसके ग्राफिक्स और कैरेक्टर डिजाइन बहुत ही अमेजिंग है और इसके कंट्रोल्स भी एकदम ठीक ठाक है। ओवरऑल ये बहुत ही बढ़िया गेम है। अगर आपको मल्टीप्लेयर शूटर गेम्स पसंद है तो आप ये गेम जरूर ट्राई कीजिए। और गाइस, ये गेम सिर्फ एंड्रॉयड के लिए अवेलेबल है। तो गाइस, अपने अगली गेम की बात करें तो वो है शूटी क्वेस्ट। तो गाइस, ये एक कैजुअल आर्केड गेम है। तो गाइस, इसमें आप हॉल नाम के एक रिटायर आर्चर का रोल प्ले करते हो जो सिर्फ अपने प्यारी बिल्ली के साथ रहना पसंद करता है, लेकिन दुश्मन लोग उसकी बिल्ली को चुरा लेते हैं। और गाइस, अभी आपको उन दुश्मनों के साथ लड़कर अपनी बिल्ली को बचाना है। आई नो गाइस, ये स्टोरी सुनने में बहुत फनी लगती है। और गाइस, हर लेवल में एनिमीज बढ़ते जाएंगे और जैसे जैसे आप एनिमीज के साथ फाइट करोगे आपको उनकी कमजोरी ढूंढनी है और उस कमजोरी को आपको एरोस के थ्रू मारना है। तो गाइस, नेक्स्ट गेम की बात करें तो वो है हाउस फ्लिपर। ये एक सिमुलेशन गेम है जिसमें आप पुराने और बेकार घरों को खरीदते हो, उन्हें पूरी तरह से रिनोवेट करते हो और फिर बहुत सारा प्रॉफिट के लिए उन घर को बेचते हो। रिनोवेशन के साथ साथ आप इसमें इंटीरियर डेकोरेशन भी कर सकते हो। इसका गेम प्ले एकदम डिटेल्ड है और इसके 3D ग्राफिक्स और फर्स्ट पर्सन व्यू की वजह से ये गेम और भी रियलिस्टिक लगता है। ओवरऑल ये एक बहुत ही मजेदार और अच्छा टाइम पास गेम है। तो गाइस, नेक्स्ट गेम की बात करें तो वो है फार लोन सेल्स। ये एक स्टाइलिश एडवेंचर गेम है जिसमें आप एक अजीब सी मशीन को कंट्रोल करते हो जो बोट और ट्रेन का एक हाइब्रिड है। इसमें आपके आसपास की दुनिया बहुत ही खूबसूरत है और सुनसान है। आपको इस सुनसान दुनिया में आगे बढ़ते रहना है और उसे एक्सप्लोर करना है। ये सब करते हुए आपको अपने व्हीकल की मेंटेनेंस करनी है, उसे चलाने के लिए फ्यूल ढूंढना है और रास्ते में आने वाले मुश्किलों का सामना करना है। ये एक पेड गेम है और एंड्रॉयड और आईओएस दोनों के लिए अवेलेबल है। तो गाइस, नेक्स्ट गेम की बात करें तो वो है रेडस्टॉर्म वीएटएम वॉर। तो गाइस, ये एक थर्ड पर्सन शूटर गेम है और गाइस, नाम से पता चलता है कि ये गेम 1955 के वीएटएम वॉर पे बेस्ड है। इसमें तीन अलग अलग टाइप्स के हिस्टोरिकल मैप्स है। इसका गेम प्ले बिल्कुल बैटलफील्ड वीएटएम की तरह है जिसमें आपको अमेरिका या वीएटएम की टीम को ज्वाइन करना है और कंट्रोल पॉइंट्स को कैप्चर करना है। आप इसमें ऑफलाइन बॉट्स के साथ या ऑनलाइन 10v10 मैचेस भी खेल सकते हो। तो गाइस, अगले गेम पे बढ़ने से पहले अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद नहीं आ रहा होगा, नो प्रॉब्लम, हम लोग को कमेंट सेक्शन में बताना जरूर कि आपको क्या चीज़ नहीं पसंद आई, सो दैट हम लोग वो चीज़ को सुधार सके। सो गाइस, बढ़ते अपने 5th नंबर पे गेम पे और वो है MMC रेसिंग। तो गाइस, ये एक क्लासिक रेसिंग गेम है जिसमें आप क्लासिक अमेरिकन और ऑस्ट्रेलियन मसल्स कार के साथ रेसिंग करोगे। इसमें आप ऐसे ही टेढ़े मेढ़े ट्रैक्स पे रेसिंग करोगे जो आपके ड्राइविंग स्किल्स को चैलेंज करता है। इसमें बहुत सारे क्लासिक मसल्स कार है जिन्हें आप रेस जीत कर अनलॉक कर सकते हो। इसके ग्राफिक्स और कंट्रोल्स ठीक ठाक है। और गाइस, एक और चीज बोलना मैं भूल गया, गाइस सारे गेम्स के हम लोग लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करते, आपको यहाँ वहाँ जाने की जरूरत नहीं है, सीधा जाओ लिंक डिस्क्रिप्शन में और टैप करके गेम को खेलो। तो गाइस, नेक्स्ट गेम की बात करें तो वो है एक्शन टाइमन इन। तो गाइस, ये एक बहुत ही सिंपल कंट्रोल्स वाला एक्शन पैक्ड हैक एंड स्लैश गेम है। इसमें टाइमन इन सीरीज के सभी कैरेक्टर्स है और गाइस, आप अपने फाइट स्टाइल के हिसाब से इसके कैरेक्टर्स और वेपन्स को सिलेक्ट कर सकते हो। ये एक फ्यूचर जापान में सेट है जहाँ पे राक्षसों ने हमला किया है और हम जापानीज गवर्नमेंट की एक स्पेशल फोर्स का हिस्सा है जिसका नाम है देश को इन राक्षसों से बचाना। तो गाइस, अपने लिस्ट पे जो 3rd नंबर पे गेम है वो है ब्लॉकबस्टर्स। ये एक ऑनलाइन PvP थर्ड पर्सन हीरो शूटर गेम है जिसमें आपको बहुत ही बढ़िया 3D ग्राफिक्स और बहुत ही इंटरेस्टिंग गेम प्ले देखने को मिलता है। इसमें बहुत सारे हीरोस हैं और सबकी यूनिक एक एबिलिटी है, आप अपने फाइटिंग स्टाइल के हिसाब से कोई भी हीरो को सिलेक्ट कर सकते हो। इसमें स्नाइपर राइफल, मशीन गन और पिस्तौल जैसे वेपन्स के साथ साथ मिली वेपन्स भी है। ओवरऑल इसके ग्राफिक्स बहुत अच्छे है और इसके कंट्रोल्स भी बहुत शार्प है। तो गाइस, अपने लिस्ट पे जो 2nd नंबर पे गेम है वो है द सर्वाइवलिस्ट।
ये टीम 17 ने बनाए हुए एक सर्वाइवल गेम है जिसमें आप एक बड़े से आइलैंड में फंसे हुए हो और आपको उस आइलैंड को एक्सप्लोर करना है और अलग अलग चीजों को क्राफ्ट करके सर्वाइव करना है। इसमें आपको पेड़ पौधे और पत्थरों से मटेरियल कलेक्ट करना है और उनसे टूल्स और खाने पीने की चीजें बनाने हैं। इसके अलावा आप इस आइलैंड पर रहने वाले मंकीज को ट्रेन कर सकते हो और फिर वो भी मटेरियल कलेक्ट करने और क्राफ्टिंग में आपकी मदद करेंगे। इसमें एक ऑनलाइन कोऑप मल्टीप्लेयर मोड भी है जिसमें 4 प्लेयर के साथ मिलकर आप खेल सकते हो। पर गाइस ये एक पेड गेम है और सिर्फ iOS के लिए अवेलेबल है। तो गाइस फाइनली अपनी लिस्ट पे जो फर्स्ट नंबर पे गेम है वो है बैडलैंडर्स। ये एक ऑनलाइन सर्वाइवल शूटर गेम है जिसमें 25 प्लेयर्स होते हैं और सबके अलग अलग ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। इसमें आपको इसके वर्ल्ड को एक्सप्लोर करके अलग अलग आइटम्स ढूंढने हैं और दूसरे प्लेयर्स को मार के उनके आइटम्स को लूटना है। अगर आप मरते हो तो आपकी कलेक्ट की हुई सारी लूट किसी और को मिल जाएगी। इसमें जो लास्ट तक जिंदा रहता है वही अपनी लूट को बचाकर उसको बाद में बेच सकता है। इसमें एक ओपन मार्केट भी है जिसमें आप अपनी कमाई हुई लूट को बेच सकते हो और पावरफुल आइटम्स को खरीद सकते हो। तो गाइस इसी के साथ अपना आज का वीडियो खत्म होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और गाइस मुझे कमेंट सेक्शन में बताना जरूर कि आपका फेवरेट गेम कौन सा था। मैं मिलता हूं आप सभी लोग से अगली वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट।